डिलिशियस है, बच्चों की फेवरेट है और मेरी भी बहुत फेवरेट रेसिपी है। इसके लिए मैंने 3 कप पार्बॉइल राइस रखा है। इसको मैंने 1 घंटा फ्रिज में रखा था ठंडा करने के लिए। साथ में मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शेज़वान फ्राइड राइस। ये कंप्लीट मसाला है, इसके साथ में सब कुछ होता है, इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, हमें इसमें अलग से कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फ्राई करने के लिए ऑयल, 1 बारीक कटा प्याज, यहाँ मैंने कुछ सब्ज़ियाँ ली हैं, 1 बड़ा गाजर बारीक कटा हुआ, मशरूम 1 कप, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 चम्मच, 1 मीडियम साइज़ कैप्सिकम जिसको मैंने फाइनली चॉप किया है, पत्ता गोभी या कैबेज जिसको फाइनली चॉप किया है, और धनिया। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद की और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे ब्रोकोली, फ्रेंच बीन्स, वेरिएशंस आप बहुत ला सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं हमारी झटपट और क्विक बनने वाली शेज़वान फ्राइड राइस। तेल हमारा गर्म हो गया है तो अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हल्का सा सौते करेंगे, हमें इसको बिल्कुल ट्रांसल्यूसेंट नहीं करना है क्योंकि सब्ज़ी में एक क्रंचीनेस ज़रूर हमको चाहिए, तो बस इसको हल्का सा सौते कर देंगे। और अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपको इसका टेस्ट पसंद ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसमें बाकी की सब्जियां ऐड करूंगी, मशरूम, गाजर, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च। ये सब्जियां कितनी हरी भरी लग रही हैं, बहुत ही प्यारा कलर आया है। इनको हम सौते करेंगे थोड़ी देर के लिए। गैस की फ्लेम को मैं अब लो कर दूंगी। और अब हम इसमें अपने चावल को ऐड करेंगे, एक साथ पूरा चावल ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। अब अपना शेज़वान फ्राइड राइस मसाला इसमें ऐड करेंगे, एक साथ में पूरा नहीं ऐड करूंगी मैं, पहले एक बैच में इसको ऐड करके हमें इसको चला देना है। और अब इसमें हम बाकी का चावल ऐड कर देंगे। और उसी के साथ जो बचा हुआ हमारा मसाला है वो पूरा का पूरा हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम मैंने आपको देना है अपने मसाले में और राइस में, और इसको हमको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे रखकर पकने के लिए छोड़ना है कि सब्जियां और चावल अच्छे से मसाले के साथ में मिक्स हो जाए। शेज़वान फ्राइड राइस के साथ में मैं सर्व करूंगी चिकन 65। इसका नाम चिकन 65 क्यों पड़ा? कुछ लोगों का कहना है कि ये 1965 में बहुत ही फेमस रेसिपी थी, बहुत लव्ड रेसिपी थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये मेन्यू में नंबर 65 में सर्व होती है। अलग अलग इसके वो है, थॉट्स हैं लोगों के, अपने अपने ऑब्जेक्शंस हैं, पर हम इसको वो सब छोड़कर हम सिर्फ अपनी रेसिपी पे कंसंट्रेट करेंगे। इसके लिए मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है जिसको मैंने इस तरीके से क्यूब्स में काटा है। फ्राई करने के लिए ऑयल, कड़ी पत्ता, इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है कड़ी पत्ता, 1 अंडा, 4 चम्मच मैदा, 1 बारीक कटा प्याज, यहाँ हमारे पास है 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, कोरिएंडर लीव्स, अदरक और लहसुन का पेस्ट, डार्क सोया सॉस 1 चम्मच, शेज़वान चटनी या शेज़वान सॉस आप कह सकते हैं 1.5 चम्मच, 1 नींबू का रस, ये है रेड चटनी या आप टोमेटो सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नमक और लाल मिर्च स्वाद अनुसार।
तो चलिए हम बनाते हैं अपना चिकन 65। अब हम अपने चिकन को मैरिनेशन के लिए रखेंगे, तो उसमें हम अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, मैदा, कॉर्नफ्लावर, अंडा, नमक और लाल मिर्च। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रखें। अदरक और लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस, सोया सॉस। हमारा गरम हो गया है, अब हम अपने चिकन को फ्राई करने के लिए इसमें डाल देंगे। ओवर क्राउडिंग नहीं करनी है हमको, बस इतना कि अच्छे से हमारे चिकन पीसेस आ जाए, नहीं तो ये चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ। और जो इसका ये मसाला बचेगा हम अपनी ग्रेवी में इसको इस्तेमाल करेंगे। हमको इमीडिएटली इसकी साइड नहीं बदलनी है, 2 से 2.5 मिनट एक साइड फ्राई होने तक। उसके बाद क्योंकि चिकन कच्चा है हमको उसको पकाना भी है, तो हमें इसका फ्राइंग प्रोसेस बहुत स्लोली और बहुत अच्छे से करना है। चिकन हमारा फ्राई हो गया है, अब हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तेल हम फिर अपना कढ़ाई में गरम करेंगे, उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच काला तिल, और उसी के साथ में हम ऐड करेंगे कड़ी पत्ता। इससे इसका टेस्ट बहुत एनहांस होकर आता है, हल्का सा सॉटे करके। इसमें ऐड करेंगे हम बारीक कटा हुआ प्याज, आप चाहें तो इसमें अदरक और लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। इसको हमें हल्का सा सॉटे करना है। मसाले हमने ऑलरेडी अपने मैरिनेशन में ऐड कर लिए थे, तो इसलिए हम अभी इसमें और मसाले ऐड नहीं करेंगे। सा ट्रांसल्यूसेंट हो गया है, अब मैं इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 चुटकी हल्दी ऐड करूंगी। उसके साथ से मैं चिली सॉस भी ऐड कर रही हूँ। हमने अपने फ्राइड चिकन ऐड कर दिया है और इसको हमें थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। अगर आप बिल्कुल ड्राई ग्रेवी चाहते हैं तो इसमें आप बिल्कुल पानी मत ऐड करें, पर मैं हल्का सा ग्रेवी वाला बना रही हूँ, तो मैं इसमें लगभग 1/4 कप पानी ऐड कर रही हूँ। उसी मसाले का पानी है जिससे हमने मैरिनेशन किया था। ये हमारा चिकन 65 अभी पक रहा है, फ्लेम को मैंने लो रखा है। पककर जब ये रेडी हो जाएगा तब मैं इसकी प्लेटिंग आपको दिखाऊंगी। हमारा शेजवान फ्राइड राइस विद चिकन 65 बिल्कुल तैयार है टू बी सर्व्ड हॉट। आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करें और अपने वैल्यूबल फीडबैक्स मेरे साथ शेयर करें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। रेसिपी आपको कैसी लगी तो ज़रूर बताएं, और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।